खेसारी लाल यादव जी किस डेट को जा रहे हैं काराकाट? जो चीज़ पवन भैया कर दिए हैं वो तो अभी तक काराकाट में इतना माहौल किसी का नहीं बना था। पांच पांच कलाकार उनके तरफ से आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, और उसके बाद इधर अक्षरा सिंह जी भी है अपनी, लेकिन वो इन लोगों के बाप हैं। तो अब बाप के सामने बेटा कितना भी बड़ा हो जाएगा तो बाप बापे रहता है। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वोट पवन सिंह को दीजिए, और 100% वो लोग दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन, मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ, हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के राइटर अखिलेश कश्यप जी हैं, अन्नपूर्णा फिल्म्स के ऑनर। सबसे पहले भोजपुरी नेशन में बहुत बहुत स्वागत है बाबा। सबके प्रणाम, भाई के चैनल गौरी के जो भी देखा था सबके नतमस्तक प्रणाम। कैसे हैं बाबा आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत दिन बाद आप मेरे चैनल पे आए हैं, और अभी माहौल भी थोड़ा अलग सा चल रहा है, और ट्रेंडिंग स्टार के साथ आप कई सारे अपने चैनल पे गाने जो लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। जी बस चलता है, तू ही ना नुआवे लो, हम तो तेरा चैनल पर पुराना पढ़ले बानी, ढेर दिन से बानी, तो तू बिजी रह लो ना, तो ठीक है, चल रहा है, गाना बज रहा है, आप सबके आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, जनता का प्यार आपके इस बार हिस्सा पूरा है। जी बिल्कुल, इन पे भी है और अन्नपूर्णा फिल्म पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, अन्नपूर्णा फिल्म तो कंपनी है, हम पे प्यार बना रहे, कहीं से भी हमारे गाने आए आप लोग सुनिए, मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, मनोरंजन करिए और प्यार देते रहिए। अच्छा, काराकाट जो कि अभी पूरे इंडिया में काराकाट अभी जो है चर्चे में बनी हुई है, काराकाट हैशटैग काराकाट, यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो पूरा हाईलाइटेड है पावर स्टार पवन सिंह जी को लेके। खेसारी लाल यादव जी के पिताजी भी गए थे, और आपका क्षेत्र भी पड़ता है काराकाट, तो अखिलेश कश्यप कब जा रहे हैं पवन सिंह जी के चुनाव प्रचार में? नहीं, हम लोग तो जाएंगे, हम तो डे वन से इस चुनाव में पवन भैया के साथ हैं, और हमारी पूरी टीम है, पूरी खेसारी भैया के लोग और उनके साथ साथ सभी लोग। अगर यहाँ बात अब पवन भैया और खेसारी भैया की नहीं है, ये भोजपुरी की मान सम्मान की बात है, और हमारा बड़ा भाई चुनाव लड़ रहा है वहाँ से, तो हमारा दायित्व बनता है कि उन सब छोटे भाई बड़े भाई उनके साथ खड़े हों। बिल्कुल। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा था जो स्टेज पे कहते हैं पवन सिंह जी चिल्लाकर कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के पिताजी आए हुए हैं, और वो किस भी करते हैं पवन सिंह जी के गाल पे, और ये बहुत ज़्यादा वायरल होता है। नहीं बाबूजी, सबके माने लें, और हमारा लगता है कि हमने के अगर थोड़ा बहुत गाना बजाना के चलते तू तू मैं भी बोला, तो हमने के जब जाए ले जाए तो हमेशा हमने के बोले लें कि काहे खाती हल्ला कर लो लोग, लाई भावे लो हमरा के ठीक ना लगे ला। पवन भैया बोलते हैं? नहीं, उनके पिताजी खेसारी भैया के, तो वो मानते हैं पवन भैया को, खेसारी भैया के हर वो घर का सदस्य प्यार करता है, उनकी बेटी हो गई तो उनको बड़े पापा बोलती है, सब लोग मानता है, तो वहाँ पे उन दोनों बड़े भाइयों का आपसी प्यार है, और ये प्यार आजीवन बना रहे, हम लोग यही कामना करते हैं, अब कुछ ऐसा ना हो जिससे दोनों बड़े भाई हमारे आपस में कभी कोई भी चीज़ के लिए लड़े झगड़े, क्योंकि अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, माता रानी करे कि वो जीतेंगे, तो अब तो भोजपुरी से ऐसे भी वो धीरे धीरे कम काम करेंगे, तो हम लोग की चाह यही है कि वो चुनाव जीते और ये प्यार आजीवन बना रहे, कोई ये ना बोले कि दोनों लोगों में बातचीत नहीं होता है। जी खेसारी जी के पिताजी से मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि जैसे मेरे खेसारी बेटा हैं वैसे ही मेरे पावर स्टार पवन सिंह जी हैं। जी बिल्कुल, अरे तो एक बाप और गर्जीवन का मतलब ही है, वो हम लोग जानते हैं कि वो खेसारी भैया हैं, वो पवन भैया हैं, लेकिन वो इन लोगों के बाप हैं। तो अब बाप के सामने बेटा कितना भी बड़ा हो जाएगा तो बाप बापे रहता है, तो वो हम सबके पिता हैं, वो गर्जीवन हैं, वो बुजुर्ग हैं, और उनका प्यार हम लोगों को मिला है आज, तो खेसारी भैया हैं, हम लोग हैं, चाहे पवन भैया को भी प्यार, तो उनका अलग होता है, और वो जब गए तो खेसारी भैया जाहिर सी बात है कि वहाँ जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। एक चीज़ को लेके सस्पेंशन में है, लोग अभी नामांकन हो चुकी है, चुनाव चिन्ह का इंतजार कर रही है लोग पूरा, आपका क्षेत्र भी है, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक है वहाँ पे, जो चीज़ पवन भैया कर दिए हैं वो तो अभी तक काराकाट में इतना माहौल किसी का नहीं बना था। चुनाव हार जीत से इंसान को घबराना नहीं चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, काराकाट की जनता अगर उनके साथ खड़ी है तो मुझे लगता है कि उनको विजयी होने से कोई नहीं रोकेगा। उपेंद्र कुशवाहा तो कहते हैं कि हमको तो टेंशन ही नहीं है, मोदी जी है ये हैं, ऊपर से कहते हैं कि पांच पांच कलाकार उनके तरफ से आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, उसके बाद इधर
अक्षरा सिंह जी भी है अपनी। ठीक है, कोई नहीं, कोई सबका अपना अपना मत है, अपना अपना व्यक्तिगत संबंध है, जिसको जहाँ मत मिल रहा है अपना जा रहा है आ रहा है, लेकिन किसी के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों भाई एक साथ हैं तो वहाँ का पब्लिक इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, और ये दोनों भाई जिस दिन जाएंगे काराकाट में खेसारी भैया, उस दिन माहौल का अलग ही चार चांद रहेगा। मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ को लेकर जनता जो है बहुत देर से रुकी हुई है, सोच रही है। मैं चाहता हूँ अखिलेश कश्यप जी इस डेट को रिवील करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो जनता है आस में बैठी हुई है कि खेसारी लाल यादव जी किस डेट को जा रहे हैं काराकाट। डेट देखिए कंफर्म उधर से अभी हम लोग को भी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 20 से 25 के बीच में हम लोग जाएंगे। 20 से 25 के डेट के बीच में खेसारी जी जाएंगे जी। तो अगर खेसारी जी का एंट्री होता है तो सीधा अगला जो विपक्षी है वो डर रहा है खेसारी लाल यादव जी की फैन फॉलोइंग को देख के, एंट्री को देख के, इसलिए डर रहा है क्योंकि यादव का जितना वोट है खेसारी जी पलट सकते हैं, इस पर बड़ा सवाल है। देखिए ये तो जग जाहिर है कि सबसे बड़ा कलाकार का कोई जात नहीं होता है, लेकिन यादव वर्ग के जो भी भाई हैं, इंसान जो भी लड़के हुए चाहे बड़े बुजुर्ग हुए, वो सब लोग खेसारी भैया को बहुत प्यार करते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार यूपी झारखंड में लालू यादव के बाद अगर किसी को यादव सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं यादव जाति के वर्ग के लोग, तो खेसारी लाल यादव को करते हैं, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, और वो लोग बहुत प्यार करते हैं। तो खेसारी भैया के जाने से जरूर है कि कुछ ना कुछ तो वोट पवन भैया को मिलेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन फुल टू फुल सपोर्ट है, और खेसारी भैया के फैन फॉलोइंग मुझे लगता है कि जितने यादव जाति वर्ग में उतने राजपूत जाति के भी लोग मानते हैं, ब्राह्मण जाति के भी लोग मानते हैं, क्योंकि क्या है कि उनके साथ रहने वाले हर जाति के लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हम लोग सब जाति के हैं, लेकिन हाँ जिस जाति से भैया हैं उस जाति के लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं उनको। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा था कि जब खेसारी लाल यादव जी के पिताजी स्टेज पे से बोल रहे थे तो जनता में जो उत्सुकता था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखा है कि ये किस जाति का है नहीं है, वहाँ सारे लोग भरे पड़े थे, लाखों की संख्या में भीड़ थी, और जब जनता इतना खुश हो रही थी तो सोचिए अगर जब उनके पिताजी आए थे, जब खेसारी जी का एंट्री होगा और वहाँ की जनता पूरा वोट, मतलब क्या लगता है कि पवन सिंह जी जीत रहे हैं चुनाव? तो मेरा मानना है कि वो जीत रहे हैं। हाँ, उधर के एक इंसान होने के नाते जहाँ तक मुझे उधर मेरी बहुत सारी रिश्तेदारी है, उस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे अपने लोग हैं जो इस फील्ड से नहीं है, भोजपुरी से नहीं है, बट हमारे रिश्ते नाते हैं, तो वो लोग हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, मेरे से बात होते हैं, मेरी दो दो बुआ हैं, मेरा ससुराल भी विक्रमगंज में है, अच्छा। और मेरा वहाँ मामा गांव भी घोसिया में है, तो जितने लोग हैं उधर के सब लोग से बात होता है, तो सब लोग बोलते हैं कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर ये ग्राउंड लेवल का अगर इंटरनली कोई बात बताता है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, पवन भैया को भी चाहिए कि अब उनके जो भी लोग हैं वो बूथ स्तर पे जाके काम करें, हर वो गांव में हर वो कस्बे में वो लोग जाएं और पब्लिक को मोटिवेट करें, मिले और अपनी चीज़ों को बताएं कि हम ऐसा करने वाले हैं, तभी काराकाट का विकास होगा और काराकाट का किस्मत बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा है, आप भी देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार, जो पवन सिंह जी हमेशा चेहरा चमकता हुआ दिखता था, क्योंकि स्टार चाहे पवन सिंह जी हो चाहे खेसारी कोई भी स्टार हो, वो सारे लोग एसी में रहते हैं, काम करते हैं, सब चीज़। अब उनका जो चेहरा देखने को मिलता है, चेहरा पे आप लोग देख भी रहे होंगे कालापन छा गया है चेहरा पे, धूप में निकल के हर घर जाना, हर घर से कुछ भी खा लेना, पानी कहीं से भी पी लेना, रोड पर उतर जाना। नहीं नहीं, देखिए धूप है और इसमें चेहरा काला गोरा से कुछ होने वाला नहीं है, वो फिर गोला गोरा हो जाएगा। चुनाव है, चुनाव में ज़्यादा मेहनत करना होगा, चुनाव जीतने के बाद भी उनको मेहनत करना है, लेकिन वो किसी के घर जाना होगा, किसी की समस्या सुननी होगी, व्यक्तिगत रूप से जाके मिलेंगे। अब इतने रोड पे तो उनको नहीं घूमना होगा, क्योंकि काराकाट की जनता अगर उनको जिताएगी तो इस उम्मीद से जिताएगी कि अब आप बैठ जाइए और बैठ के काम कीजिए, क्योंकि वो लोग भी तो निर्दयी हैं नहीं, वो लोग भी तो इंसान हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं कि कोई बंदा 2 महीने से भाग दौड़ कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स रहने दिया जाए जी। एक और सवाल आखिरी रहेगा, क्या अखिलेश कश्यप जी आपका क्षेत्र पड़ता है, वोट देंगे पवन सिंह जी को, अखिलेश कश्यप जी वोट देंगे? हमारा जो भी वोट रहेगा, हमारे जितने रिश्तेदार भाई बंधु जो भी होंगे, वो सब एक भोजपुरी के आर्टिस्ट होने के नाते
हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वोट पवन सिंह को दीजिए, और 100% वो लोग दे रहे हैं, मतलब जीता रहे हैं, जीत तो रहे हैं चुनाव, इसमें तो कोई डाउट नहीं, जीत रहे हैं। मतलब अखिलेश कश्यप जी ने खुद कहा इनके क्षेत्र के हैं और माहौल पूरा तगड़ा है, जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस वीडियो को पवन सिंह जी देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे अखिलेश कश्यप जी? उनके लिए क्या कहना है, वो बड़े भाई हैं और उनके सामने हम लोग कहने लायक नहीं है और ना कभी कुछ कहे हैं, बस वो आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखे, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें कि छोटा छोटा भाई उनका ऐसे ही तरक्की करता रहे, मेहनत करता रहे। और हम सब की दुआ है, पूरे लोगों की दुआ है कि वो चुनाव जीते, और हम लोग चुनाव में जिस दिन काउंटिंग होगा, जिस दिन जीतेंगे उस दिन पूरा भोजपुरी में जश्न मनाएंगे। बिल्कुल, एक काराकाट के जनता के लिए क्या कहेंगे पर्सनली आप? बस वोट मारिए दबा के एकदम, अब क्या कहना है, वोट मारिए, उसके बाद जीत के बाद दोनों बड़े भाई आपके यहाँ आएंगे और काराकाट क्षेत्र में ही हम लोग जश्न मनाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस वक्त हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी थे जिन्होंने कहा है कि भैया जीत के बाद जश्न मनाएंगे दोनों, खेसारी लाल यादव जी भी और पावर स्टार पवन सिंह जी भी काराकाट क्षेत्र में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।